नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र जैन के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने शिवपुरी पहुंचे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को 14 महीने की कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस से लगातार 30 वर्षों तक पिछोर के विधायक और वर्तमान में कांग्रेस से शिवपुरी के उम्मीदवार केपी सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि जो 30 सालों में पिछोर नहीं बदल पाए वो शिवपुरी को क्या बदलेंगे। बिना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सप्रे ने बिना अनुमति के मंडी परिसर में सभा का आयोजन किया था। वहीं अब इस मामले पर एफएसटी प्रभारी की ओर से किए गए आवेदन पर पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी पर आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि निर्मला सप्रे ने निर्वाचन कार्यालय से बिना अनुमति लिए कृषि उपज मंडी परिसर में 6 नवंबर को सभा का आयोजन किया गया था, जहां सुर्खी के विधानसभा की पूर्व विधायक पारूल साहू ने भी सभा को संबोधित किया था, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। सूचना मिलने पर एफएसटी प्रभारी शिव नारायण त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर अनुमति की जानकारी मांगी, जो उपलब्ध नहीं करा सके। छिंदवाड़ा में जीएम जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने 250 पुलिस जवानों के साथ विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए थाना लावा घोघरी के ग्राम पलासपानी में फ्लैग मार्च किया। साथ ही नजदीक मतदान केंद्रों का भ्रमण भी किया है। एरिया डोमिनेशन मार्च निकाला गया था, जिसमें हम लोग लावा घोघरी के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो शैडो एरिया है, उस इलाके में भी गए थे और फिर शहर में भी मार्च निकाला गया है। इस फ्लैग मार्च के माध्यम से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज की जा रही है, ताकि लोग निष्पक्ष होकर और बिना किसी डर भय के वातावरण के सभी इलाकों में चुनाव के दिन आए और वोटिंग करें। आज माननीय डीएम महोदय के साथ पुलिस दल द्वारा फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज की गई। ये दूरस्थ वन क्षेत्र लावा घोघरी थाना क्षेत्र से लेकर शहर के अन्य हिस्सों में किया गया है। इसका उद्देश्य यह है अपनी उपस्थिति दर्ज करना, यह सुनिश्चित करना कि पब्लिक आश्वस्त हो कि पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस छिंदवाड़ा में कंडक्ट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के तहत जितने भी प्रयास हो सकते हैं एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के, ये सारे पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं लगातार, और आज इसी की एक्सरसाइज थी। सागर के 3 बत्ती चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पुलिस जवान ने खुद पर जला हुआ ऑयल डालकर आग लगाने की कोशिश की। लोगों ने उसे पकड़ा और समझाया, मामला शांत कराया। इस दौरान पुलिसकर्मी ने नरायवली विधायक और पुलिस प्रबंधन के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिसकर्मी राजेश राठौर ने आवेदन में बताया कि कई धाराओं में मामला दर्ज था और करीब 3.5 साल के बाद भी न्यायालय में पेश नहीं करने और उचित धारा नहीं बनाए जाने से दुखी होकर ये कदम उठाया है। इस तरह का वो कृत्य कर चुके हैं तो, और ऐसा जनचर्चा में आया, लोगों ने बताया है कि मानसिक रूप से भी वो ऐसे हैं, क्योंकि एक नहीं 3 बार इस तरह से किया है, एक बार सिविल लाइन में, एक बार मकरोनिया में और अब 3 बत्ती पर। तो इस संबंध में मैं एसपी को शिकायत कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये सोची समझी हुई या जैसे भी है, इस समय पर मेरा नाम लेना मेरे। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के छिंदी में भाजपा में शामिल हुए जिला पंचायत सदस्य की सरेआम पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि गोंडवाना गठबंधन पार्टी के विधायक प्रत्याशी देवारवीन भलावी ने जिला पंचायत सदस्य को सरेआम थप्पड़ चढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है।
ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के रक्कस की पहाड़ी पर 5 नवंबर को युवक की निर्मम हत्या कर उसके शव को जंगलों में फेंकने के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मृतक के दोस्त पर हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पुराने लेन देन को लेकर हुए झगड़े में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि घटनास्थल पर तंत्र मन से जुड़े कुछ साक्ष्य मिलने पर इसे नरबली मानकर जांच पड़ताल की जा रही थी। ग्वालियर में मतदान से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चुनावी माहौल के बीच ग्वालियर पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता मिली जब शहर में आतंक का पर्याय बने दूधिया गैंग का एक सक्रिय सदस्य को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबोच लिया। उसके निशानदेही पर आरोपी के कब्जे से एक अधिया और देशी तमंचे के रूप में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। पकड़े गए बदमाश से उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं इस गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कहा कि पकड़े गए गैंग से उसने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई आपत्तिजनक फुटेज मिले हैं जिससे वे अपने आप को दूधिया गैंग और अपनी 00 गैंग से दुश्मनी बताते हुए नजर आ रहे हैं। श्री राजेश सिंह चंदेल साहब के मार्गदर्शन में ग्वालियर जिले की टीम जिसमें कि पुरानी छावनी और क्राइम के टीम के सदस्यों ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कुल 8 अवैध हथियार पाए गए जिनमें से एक अदिया और 7 देसी कंट्रीमेट कट्टे हैं। ग्वालियर में दीपावली त्योहार के आते ही मिलावटखोर एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। इसके लिए जिला प्रशासन की खाद्य विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर नकली मावा के संदेह में मावे से भरा एक ऑटो को पकड़ा और पकड़ी गई ऑटो से खाद्य विभाग की टीम ने 4 डालियों में भरा 200 किलो मावा बरामद किया है और ये मावा ग्वालियर से देवास भेजा जा रहा था। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम ने जब्त किए गए मावे के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज दिए हैं। घोड़ापुर थाने में रक्कस की पहाड़ी पर 5 तारीख को एक व्यक्ति की लाश मिली थी जिस पर से मर कायम करके पुलिस द्वारा जांच की गई, पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने सिर में आई चोट के कारण मृत्यु होना बताया। उस पर से घोड़ापुर पुलिस ने 302 का अपराध पंजीबद्ध किया और अपराध की विवेचना में संदेहियों से पूछताछ करी। देशभर में आज धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है तो वहीं ग्वालियर के जाया आरोग्य चिकित्सालय ने धनतेरस के दिन आम जनता को बड़ी सौगात दी है। दरअसल जाया हॉस्पिटल के बन यूनिट में नया ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत हुई धनतेरस पर्व पर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना के बाद इस ऑपरेशन थिएटर को शुरू किया गया। वहीं बन यूनिट प्रभारी डॉक्टर मुकेश ने बताया कि यहां मरीजों को नई चिकित्सा सुविधाओं के साथ प्लास्टिक सर्जरी जैसी सुविधा भी उपलब्ध होगी और धनतेरस पर्व पर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर इसे शुरू किया जा रहा है। साल मनाया जाता है कभी किसी विभाग में कभी किसी विभाग में। इस साल धनतेरस के पूजन का प्रोग्राम डीन सर के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बन डिपार्टमेंट में रखने का प्रस्ताव पारित किया गया था क्योंकि बन डिपार्टमेंट में आज के शुभ दिन धनतेरस धनवंतरी भगवान जी की प्रेजेंस में बन की ओटी का उद्घाटन का प्रस्ताव डीन सर के कमलों द्वारा। त्योहारों के सीजन में इन दिनों चोर अलग अलग तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां पर 2 युवकों ने महावीर चौक स्थित एक सराफा व्यापारी को चकमा देकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले थे लेकिन व्यापारी की सतर्कता से उन्होंने मौके पर ही उन्हें पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल महावीर चौक स्थित हरिदर्शन ज्वेलर्स के संचालक राजकुमार सोनी की दुकान पर 2 युवक दुकान पर आए और सोने की बाली दिखाने के लिए बोला। इसी दौरान दोनों ने चालाकी दिखाते हुए सोने की बाली उठाकर नकली बाली रख दी जिसे व्यापारी ने देख लिया। दोनों युवक मौके पाते ही भागने की कोशिश में लगे जिन्हें व्यापारी ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
आज के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।